नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं की किन गलतियों की वजह से घर बर्बाद हो जाता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन सा वो एक काम है जो अगर आपके घर की महिला भी करती है तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसे में पति जल्द ही अमीर हो जाता है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से कार्य है जो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घर से देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। अब रसोई पकाना भी इन्हीं कामों में शामिल है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, आप घर में अकेली महिला हैं, तो क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आप उसके दौरान भी खाना बना सकते हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, औरतों के ऐसे ढंग पति को रातों रात करोड़पति से रोडपति बना देते हैं। साथ ही साथ जब घर में होने लगी ये गलतियां तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करें और सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी भी नहीं आती आपके घर। प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नर्क बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से ही खुशहाल परिवार भी नर्क के समान हो जाता है। घर में दरिद्रता आती है, तो आइए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां जिनके कारण खुशहाल व करोड़पति घर भी भिखारी बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर एक, पांव हिलाना। जिन्स घर की औरतें खाना खाते समय पांव हिलाती रहती हैं, वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, परिवार में तनाव आता है, किसी बड्ढे मुखिया की नौकरी छूट सकती है। दोस्तों, नंबर दो, जेंट्स घर की महिला झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छाई रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, नंबर तीन, चूल्हे पर झूठे बर्तन रखना, या अगर कढ़ाई को गैस पर झूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का बहुत बद्धा कारण है, इसीलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन ना रखें। बर्तन को तुरंत धो डालें, क्योंकि बर्तन भी शराफ देते हैं। दोस्तों, नंबर चार, धोकर से दरवाजा खोलना। जिस घर की महिला ठोकर से दरवाजा खोलती है या बंद करती है, वहां से भी धन की देवी महालक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इसलिए आपके घर में ऐसा होता है तो इसे तुरंत रोक दें, वरना यह विनाशकारी आदत आपके घर को ले डूबेगी, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन ऐसे घरों में नहीं होता। दोस्तों, नंबर पांच, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो इससे घर में बर्बादी आती है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर छह, जिन्स घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है तो उस घर में दरिद्रता आती है, इसलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड्डी डिडी आता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। दोस्तों, नंबर सात, अगर किसी घर की महिलाओं को देर रात तक सोने की आदत है तो वो घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर रात तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है, परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, नंबर आठ, महिलाओं का गाली देना या तेज आवाज में बोलना पूरे घर को परिवार को श्राप लगाता है। ऐसी महिला जहां भी होती है, महालक्ष्मी इनसे कोसों दूर रहती है। दोस्तों, नंबर नौ, जिन्स घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ सफाई कर लेनी चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए, और सच मायने में महालक्ष्मी ऐसे ही घरों में बांस करती है।
दोस्तों नंबर 10, एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों की बिछिया व पायल कभी भी उतार कर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो जाती है और महालक्ष्मी भी उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल खनकती है वहां पर देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। भोजन को झूठा नहीं करना चाहिए। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि खाना बनाते समय वो नमक देखने के लिए भोजन को है, तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाने का कुछ भाग आपको भगवान को भोग के रूप में लगाना चाहिए। ऐसे में झूठा भोजन कभी भी भगवान के आगे भोग नहीं लगाया जाता। दोस्तों, आपको यह नहीं मालूम होगा कि औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है, जब औरत रात के समय ऐसे सोती है। यकीन मानिए भी, मैं ये नहीं बता रहा हूं, ये शास्त्र कहते हैं, वो घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं की कैसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यही वो कार्य हैं जो अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं तो आप जल्द ही मालामाल हो सकते हैं। जानते हैं दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देर रात सोने वाली महिलाएं पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। मान्यताओं के अनुसार देर रात 2:30 बजे अगर कोई महिला जागती है तो इसका मतलब है क्या? आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जागना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, इसीलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, धर्मशास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं तो वहां पर कभी भी राहु, केतु, शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती हैं, तो सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। दोस्तों, नंबर 3, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपने में आकर या आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, इससे हमें कामयाबी मिलती है। दोस्तों, नंबर 4, मंगलवार और शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें, वरना यह समय आंख का विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने वाले व्यक्ति पर ही सारे दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए इन दिनों में आपको जरूर जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों, जब कोई महिला पूर्व या दक्षिण दिशा में सर करके सोती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है और खुशियां घर में ऐसे आती हैं जैसे मानो बरसात हुआ। पानी इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। दोस्तों, महावारी के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से देवी देवताओं का जाना तय है। ऐसे घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना आवास बना लेती हैं। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान देव स्थानों को छूना नहीं चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ रसोई में खाना बनाना भी इस समय में शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पीरियड्स के दौरान इन कामों को करने से पाप लगता है। महिलाएं और युवतियों इससे बचने का प्रयास तो करती हैं, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें यह काम करने पड़ जाते हैं। खासकर आजकल के समय में ये नहीं हो पाता, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, एक घर में एक से ज्यादा महिलाएं होती थीं। ऐसे में ये नियम संभव था, पर अब सब अलग अलग रहते हैं तो घर में एक ही महिला हो और वो भी किचन में काम ना कर पाए तो इस समय में पूरे परिवार को कष्ट उठाने पड़ जाते हैं, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप खाना बना सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे में आप नहाकर ही रसोई घर में प्रवेश करें, बिना शुद्ध क्या प्रवेश ना करें। हाइजीन के नजरिए से भी यही सही है। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बहुत ही पीड़ा का कष्ट का सामना करना पड़ता है, जिसका अंदाजा पुरुष लगा तक नहीं सकते।
ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वो खाना उस समय बनाए जिस समय उन्हें पेन यानी दर्द ना हो रहा हो। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई बीमारी या पीड़ित व्यक्ति खाना बनाता है तो उस खाने को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को दोष लगते हैं। यही कारण है कि बीमार व्यक्ति को खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक इसी तरह मासिक धर्म के 3 दिनों में महिलाओं को खाना उस समय नहीं बनाना चाहिए जिस टाइम पे आपको तकलीफ हो रही हो, दर्द हो रहा हो, थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे पीछे आप खाना बना ले तो इससे दोष से बचा जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।